साथियों नमस्कार, आज के नए ब्लॉग नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक काम की बातें बताऊंगा। आप लोग ओला उबर रैपिडो तीनों चलाते हो तो आपके बहुत काम की इम्पोर्टेंट वाली बातें हैं। आप गौर से समझेंगे तो आपको समझ आएगा किन किन भाइयों की ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये आज आप लोग को हकीकत समझ में आएगा जो नए ड्राइवर है खास करके उनके लिए। दोस्तों तो दोस्तों चलिए अपने काम की बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अपना फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर दे, शेयर कर दे, फॉलो कर दे। ठीक है दोस्तों, मेरी लाइव अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें दोस्तों, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं छोटी छोटी वीडियो ब्लॉग डालते रहता हूँ। चलिए दोस्तों करते हैं काम की बातें। दोस्तों मैं अभी हाल ही फिलहाल में, आज तारीख है जो भी अपना आठ है या नौ है पता नहीं, मेरे को ध्यान में नहीं है, आठ मार्च। ठीक है, और टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है अभी शाम को 6 बज रहा है और मैं हूँ IMT मानेसर की तरफ। ठीक है, मानेसर में हूँ मैं, एक ड्यूटी लेके आया था उबर से। मैं घर से निकला था 11 बजे साढ़े 11 बजे। हालांकि दो ड्यूटी पे मैं 1200 रुपये काम कर चुका हूँ, 1250 रुपये के आसपास में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं 8 घंटे मैंने 1100 रुपये काम किया है लगभग। मैं 1 घंटा से यहाँ वेट भी कर रहा हूँ, 5 बजे ही आ गया था मैं, कस्टमर को ड्रॉप कर दिया था और 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। तो एवरेज ऑन आप देख सकते हैं 150 रुपये घंटे के हिसाब से निकल रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ओला उबर रैपिडो चला रहे हो तो उसमें क्या फ़ायदा है, किस में ज़्यादा फ़ायदा है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जो रूल्स फॉलो कर रहा है रैपिडो वही रूल्स फॉलो कर रहा है ओला, वही फुल रूल्स को फॉलो कर रहा है उबर। ठीक है, पिक टाइम में रेट ठीक दे देता है, जाम में फंसता है गाड़ी, और दिन में रेट कम देता है। तो आपको क्या करना है, और जो मतलब उबर और ओला दोनों तो दे देता है रेट पिक टाइम में, थोड़ा सा हाई एंड ट्रैफिक में फंसता है तो उसका पैसे भी दे देता है दोस्तों। लेकिन रैपिडो क्या करता है, रैपिडो आप लोग को जाम का पैसे नहीं देता है और ना ही टाइमिंग का डिस्टेंस दिखाता है कि टाइमिंग कितना लगने वाला है इस ट्रिप पे। आपको पिकअप एंड ड्रॉप का टाइमिंग तो दिखा देगा कि हाँ इतना किलोमीटर से पिकअप है, इतना ड्रॉप है। तो आप लोग को सोच समझ के ड्यूटी उठाइएगा, क्योंकि रैपिडो आजकल ये हरकतें कर रहा है कि आपका मतलब जाम में फंसेंगे उसका कोई पैसे एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। और वही चीज़ उबर भी कर रहा है मेरे साथ भी हुआ है। अभी मैं अभी लगभग मैं मानेसर आया था T3 से, करीबन 2 घंटे जाम में फंसा रहा, 34 किलोमीटर ड्रॉप था गाड़ी का, और उसके बाद 34 किलोमीटर में समझ लीजिए कि जो पैसे मुझे मिले हैं वो मिले 680 रुपये। ठीक है, 680 मिले, एक बार मैं बता देता हूँ चेक करके दोस्तों, 680 नहीं मिले, 637 मिले हैं, ये देख लीजिए 637 रुपये का पैसे मिले हैं। 637 रुपये में होता क्या है कि गाड़ी कितने घंटे चली है मैं आपको दिखाता हूँ, 34.300 मीटर और 4 घंटे का सफ़र हुआ है, 3 घंटा 48 मिनट लगभग लगे हैं इस कोने में, और पैसे जो कैश कलेक्शन हुई है 878 रुपये हुई है। ठीक है, जिसमें 20 मिनट वेटिंग चार्ज भी दिया है एयरपोर्ट में, 20 मिनट वेटिंग किया हो तो 45 रुपये जिसमें जोड़ा गया है, एड ऑन किया गया है। ठीक है, तो जाके मेरे को 635 रुपये का बिल बना है। और जाम की बात करें तो जाम का पैसे नहीं दिया है, मतलब 3 घंटे का 3 × 600 मतलब 200 रुपये घंटे निकाल के दे दिया। लेकिन मतलब ये उबर भी कर रहा है और रैपिडो भी कर रहा है, और ओला तो खैर है ही, उबर का कस्टमर केयर है वो कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि 10 रुपये ही किलोमीटर आपको पैसे मिलने थे लेकिन आपको 20 रुपये किलोमीटर दे दिया, ऐसा उनका उबर का मानना है। जिसमें आप लोग कहते हो ना कि भाई 10 रुपये किलोमीटर भी देता है लेकिन 10 रुपये में भी कम पैसे कैसे हो जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 10 रुपये में हमारे जो पैसे कम हो जाते हैं वो होते हैं 5% GST का। ठीक है, सर्विस चार्ज जो GST होता है 5% वो माइनस कर देता है, वो पैसे काट के गवर्नमेंट को भेज देते हैं लोग कि हमारे राइडर ने इस ट्रिप पे इतना काम किया और इस पे इतना पैसे कट गए। भाई कट तो गए, अब वो पैसे हमें रिफंड कैसे मिलेगा? तो आपको गौर करना है कि आप लोग जब पेटीएम फोन पे गूगल पे लेते हो तो आपको साल में क्या करना होता है, हमारी लंबी लिस्ट हो जाती है, मतलब पैसे में देखा जाए तो हमारा हो जाता है लाखों रुपये में ट्रांजेक्शन। तो भाई हमें दोनों काम करने होते हैं, जो भाई समझदार है थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को समझता है, आज की डेट में जो गवर्नमेंट हमारे नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का जो लॉन्च किया और उसके लिए उन्होंने कर रखा है कि भाई डिजिटल इंडिया, तो उसमें सभी आ जाते हैं। मतलब लाइक आप ये समझ लो कि आपको ITR भरना जरूरी है, अगर बैंक में आपका 1 रुपये भी निकाल के 5 रुपये डाल ले हो या 5 रुपये निकाल के 5 रुपये दोबारा डाल ले हो
तो वो पैसे 5 रुपए 10 मल्टीप्लाई 2 तो 10 हो जाएंगे। तो वो चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इसलिए वो पांच जो हमारा 5% ओवर काट रहा है वो हमेशा आप लोग को रिफंड आएगा। कैसे वो रिफंड आएगा? आईटीआर फाइल करने के बाद। आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स वाला फाइल भरते हैं आप, तो जाके वो पैसे रिफंड आएगा आपका, नहीं तो नहीं आएगा अकाउंट में पैसा। वो साल में एक बार ही आता है, ऐसे नहीं आता पैसे, ठीक है ना दोस्तों। साल में आप एक बार लेखा जोखा अपने काम का करते हो, जो भाई देखो जो जीएसटी वगैरह भरते हैं उनको तो पता रहता है, जो बिजनेस मैन आदमी, हम लोग टैक्सी ड्राइवर का हम लोग को पता नहीं है। लेकिन मैं एक्चुअली मैं अपना कॉस्मेटिक काम कर रखा हूँ पहले, तो मुझे पता है मैं आईटीआर वगैरह भरता हूँ हर साल का, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट को। उससे क्या होगा, आपका लाखों रुपये ट्रांजेक्शन करते हो बैंक में, आपको कोई भी पैसे नहीं दिक्कत होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है आप लोग को हमेशा। एंड रही बात कि उबर ऐसा क्यों कर रहा है, उबर के खिलाफ हम लोग एक्शन में आते हैं तो कुछ नहीं होता, क्योंकि भाई पता नहीं उबर क्या ऐसा हरकतबाजी करता है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में। एक्चुअली क्या है, मेरे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही, इसलिए मैं उबर चला रहा हूँ लोकल में। नहीं तो मैं, आपको पता है मैं एमएमटी के काम करता हूँ, बाहर बाहर के काम करता हूँ, ताकि मेरे को लोकल चलाने की जरूरत नहीं पड़ता। लोकल सिर्फ उसी टाइम चलाता हूँ जब मैं घर जाता हूँ इस्तेमाल करता हूँ। तो बाकी लोकल का अपडेट अभी आप लोग को फिलहाल मिलेगा सोमवार के बाद ही तक, मतलब 11 तारीख से पहले 10 तारीख तक लोकल ही गाड़ी चलने वाली है, देखते हैं। बाकी आपको आप लोग को अपडेट हमेशा रोज वीडियो के माध्यम से मिलता है। और सभी भाइयों को रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग वीडियो प्रॉपर देखा कीजिए, सभी चीज़ के बारे में बताया जाता है। आप लोग फ़ोन कर देते भाई, काम के टाइम डिस्टर्ब होते हम लोग, तो प्लीज़ ऐसा ना करें आप लोग। प्लीज़ आप लोग अपनी चीज़ों के समझदारी से साझेदारी से काम करें, सीखे समझे, फिर जाके आपको कहीं डाउट है तो कॉल करें, बस ऐसे नहीं कॉल करना है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। तो मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।